जी सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं थोड़ा नवें दिन ते नवीं वीडियो दे विच। सो कल रात नूं इत्थे पहुँच गए, जिदा तुसीं देखिया कुबेमे इत्थों हले ओमियाकॉन जिहड़ा हैगा 130-140 किलोमीटर हैगा। गूगल मैप ते देखोगे तो सानूं 700-800 दिखाऊगा घूम के, उह घूम के नहीं आ, विचों रोड हैगी इक ते तमतोर रोड आ जिहड़ी उह जांदी आ। बट एरिया दे विच कोई नैटवर्क कुछ नहीं हैगा, इत्थे सिर्फ वाईफाई चलदा, बट उह वी साडा नहीं चलदा। इह कैफे वाले दा कैफे तो उस टाइम तक बंद सीगा, ते अज इत्थे असीं रुके हां, इह किसी होर दा मतलब आ इन्हां दे बणे होए आ 2-3 कमरे जिन्हां ने बना रखे आ, होर इत्थे कोई रहिंदा रुंदा कुछ नहीं आ। कुत्ते बड़े खतरनाक आ, सानूं कल वी इत्थे पै गए सीगे, ते सवेरे सवेरे असीं गए सीगे, इक ट्रक वाला सीगा उहनूं पुछण कि भाई जा रहा या नहीं जा रहा उधर नूं। बड़े खतरनाक कुत्ते सीगे, 4-5 वड्डे वड्डे कुत्ते। तां मैं तां इक ही हिसाब किताब लाया, वैसे इन्ना कोई मेरा वाह पिया नहीं कुत्तिआं नाल। जिन्ना भी तगड़ा कुत्ता क्यों ना हो, जे डर गए तो मतलब ए खाण तक जाया। मैं एक स्टैप पिछे लिया, पूरा ए खाण तक गए। जिदा ही मैं माड़ा जा अगे नूं भज्जिया, मतलब थोड़ा जिहा एक स्टैप अगे लिया पिछे नूं हटन लग गया, फिर मैं समझ गया। पर इत्थे तो कोई डंडा भी नहीं चक सकदा सी, पिया तो संद बहुत आ पर चक ही नहीं सकदे सीगे। तुसीं देख लो हालात की है इहदे। खैर अज हो सकदा भी पहुँच जाँगे ओमियाकॉन, दुनिया दे सब तो ठंडे पिंड। खैर ये भी बहुत नेड़े आ गए, तो भी बहुत ठंडा, बर्फ पै गई रात नूं, और बर्फ पैण दे बाद भी टैंपरेचर तुसीं देख सकदे हो माइनस आ, देख रहे होणा तुहानूं -21-22 दे नेड़े तेड़े आ, नहीं 20 थले आ गया, आ रहा 25, -25 डिग्री टैंपरेचर आ बर्फ दे बावजूद। मतलब जदों बर्फ पैंदी आ, हमेशा मैं तुहानूं दस्सिया 8-10 डिग्री थले उत्ते आ जांदा टैंपरेचर, मान लो 35 होगा उदां 35-36 रहिंदा होगा इत्थे भी इन्हां दिनां दे विच, बट हुण 25 आ। और मैं समान इन्ना क ज़्यादा पाया हुआ ना, मैं सोच नहीं सकते। और अंदर मैनू गर्मी लग रही थी अज, क्यों आ देखो कुत्ता फिर आ गया, मैंने एक स्टैप पिछे हटना लगा, नहीं तो सब गिर लगा भाई। आज तुम देख सकते हो वो कुत्ते देख लो साढ़े पिछे तक आए, पर हुण मैं संद रख लिया कोले, मैं क्या अज फिर एक कुत्ते का कतल मेरे हाथों जिहड़ा हो जाऊगा। उहदे नाल साडी जान पछाण भी होगी, सब कुछ हो गया। रात नूं असीं आए, सानूं उहनां रखिया, फिर भौंकी जा रहे आ। कुत्ते ने कदे कुत्ते वाला काम कर ही देना हुंदा, ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਰਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 20-25-30 ਬਾਏ ਨੇ ਹੁਣ 40 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਇਕਲੌਤਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਪ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜ ਆ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜ। ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ -35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਆਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਬਸ ਹੁਣੇ ਪਾ ਲੂੰਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਮਤੋਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਔਰ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਸਿੰਗਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤਮਤੋਰ ਵਗੈਰਾ ਆਊਗਾ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਫਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਦਾ ਰਸਤਾ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 200-150-170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ, ਅਤੇ ਬਸ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਰੋਡ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 8:30-9 ਵਜੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼, ਅਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਖਾਂਦੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ
ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਤਮਤੋਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ 156 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਿਰ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈਏ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਕਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲੰਘਿਆ ਔਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਾਂਦੀਗਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ ਰੋਡ ਆ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ ਤਮਤੋਰ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਫਟ ਮਿਲੂਗੀ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਊਂਗਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ 1000 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ ਉਮੈ ਗੁੰਡੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਚਹਾਈਕਿੰਗ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਆ ਪਰ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੀਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਖਾਂਦੀ ਦਾ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਭਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸੂਈਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਦੇਖੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੀਟ ਆ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆ ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਲੂ ਦੀ ਪਿਰੋਸ਼ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਕੱਕ ਜ਼ਾਵਦਾ ਕੱਕ ਜ਼ਾਵਦਾ ਇਨੀ ਫਿਓਦਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਫਿਓਦਰ ਫਿਓਦਰ ਵੈਰਾ ਵੈਰਾ ਸੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਲੀ ਸ਼ੁਭਮ ਨਮੈਡ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਰੋਸ਼ਕੀ ਗਰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਚੂਹ ਕੁਛ ਪੀਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਵੈਰਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੋ ਵੈਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਰਾ ਯੂ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮ ਸੋ ਸੋ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੀਟ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੀਟ ਆ ਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਪਿਰੋਸ਼ਕੀ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਕਿਉਂ ਆ ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਨਕੁਰ ਬਾਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੋ ਬਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਹੀ ਔਡਰ ਕਰ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ Thank you.
स्वागत है थोड़ा पोल ऑफ कोल्ड ओमियाकॉन, दुनिया का सब तो ठंडा पिंड। जी हाँ, मेरे पीछे तुसी देख सकते हो, पहुँच गए हैं जी दुनिया के सब तो ठंडे पिंड। तो मैं इत्थे पहुँचने वाला पहला पंजाबी, मे बी सिक्स्थ या सैवंथ इंडियन होऊंगा, क्योंकि शुभम चौथा सीगा और तीन बंदे जिहड़े पहला आए से वो गर्मी दे विच आए से, मैं जानना शुभम पहला इंडियन सी जिहड़ा इन्नी ठंड दे विच आया सीगा। उस तो बाद एक दो बंदे शायद होर आए आ, तो मैं तेनों अनकुर भाई मतलब सेम ही बनांगे हुण, साडा नंबर शायद सर्टिफिकेट ते सेम ही लिखा जाऊगा। तो पहला सिख पहला पंजाबी, नज़ारा आ रहा मैनू पता, मतलब ये चीज़ कहिंदे होए बंदा आपदे आप चो हो जाता, जिवें हुंदा नहीं जिवें आपदे मूँह मियाँ मिठू बनना, बट जो गल सच आ वो सच आ। हुण ये दसना मतलब मैनू आपदे आप च बड़ा वधिया फील हो रहा, बट सवेरे एक बार इत्थे फिर आवांगे, क्योंकि अज तो यार असी मतलब पिछले तीन चार दिन तो चले हुए सीगे और पिछले तीन चार दिन चलण तो बाद डायरैक्टली इत्थे पहुँचे। तो इत्थे पहुँच के मतलब मैं पग वगैरह नहीं बन सके, क्योंकि घर पहुँचे खादा नाल ही आ गए, मतलब हले कुछ भी नहीं, पिछले तीन चार दिन तो नहाते भी नहीं आ, क्योंकि टैक्सी बदलो टैक्सी टैक्सी अगे, और जिते कि रुकन का जुगाड़ वो भी मतलब कुछ उदा का टैंपरेचर। अज फिलहाल इन्होंने कल बर्फ डिगी आ, सो फिलहाल इतने मतलब 30-30 डिग्री के नेड़े तेड़े ही आ, फील लाइक भी इन्ना ही होगा क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, पर ठंड काफ़ी ज़्यादा। देखो माड़ा जहा निकले मेरे इतने जमनी शुरू हो गई, और मतलब हले हमने घरों आया, इन्ना टैंपरेचर से घर के हॉट, घर का टैंपरेचर बिल्कुल हॉट ही होता। ये है जी मेन जिहड़ा पॉइंट, मतलब जिथे देखो रात नूं वधिया सोहनी लाइटिंग किन्नी लग रही है और बर्फ ही बर्फ है इत्थे, ओमियाकॉन जिहनूं कहिंदे आ। ये है जी दुनिया का सब तो ठंडा पिंड, इत्थे 71 -71 डिग्री -71.2 डिग्री सैलसीयस इत्थे रिकॉर्ड किया गया सी टैंपरेचर, देख सकते हो तुसीं तुहाडे सामने आ सारा कुछ। इधर आ सारा पिंड वसा हुआ, मतलब डिवेलप है यार पिंड, इदा की गल नहीं है, काफ़ी वधिया सोहनिया लाइट्स ने इत्थे, ते सानू लैके आए इस गड्डी दे विच, असीं आए हां बाहर दिखाउणा मैं तुहानूं की कुछ लिखा हुआ इहदे उत्ते, कुछ क्या लिखा हुआ। सो आ देखो जी रशियन दे विच लिखा हुआ, कदों कदों रिकॉर्ड किया गया सी सारा कुछ लिखा गया, मतलब टूरिस्ट कित्थों कित्थों आउंदे आ ते किदां किदां, और आ सारी कंट्रीज़ दे नाम लिखे हुए आ, इंडिया का नाम है नहीं, क्योंकि इंडिया तो टूरिस्ट आउंदा ही नहीं कोई अज तक हिस्टरी दे विच इन्ने आए आ। सो आ नेड़े तेड़े दे पिंडां दे विच जो टैंपरेचर वगैरह सब इत्थे ओमियाकॉन दे विच होया, ते देखो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बारसीलोना मॉस्को मतलब जिथे इत्थे भी होया रिकॉर्डेड थान दे उत्ते लिखा आउंदा हुंदा टैंपरेचर किन्ना हो रहा इत्थे किद्दां है ना, बट इस टाइम तां बंद पिया, हुण देखो जे कल आउण होया तां। ते आ सारा इत्थे मैप देख के इन्हां ने बनाया होया जिते लिखा टोरंटो किन्ने किलोमीटर आ, टोक्यो न्यूयॉर्क सिडनी, सिडनी दे स्पैलिंग वैसे गलत लिखे हुए आ, ते बर्लिन लंडन रोम यकुत्स्क ये सारे लिखे हुए, मॉस्को 5300, लंडन 6800, मतलब टोक्यो पास है, और टोक्यो कितने 3000 उस तरफ, टोक्यो 3000 है ना, और न्यूयॉर्क इना न्यूयॉर्क 8900, बट इतों अमेरिका ज़्यादा नेड़े, तुम ये देखो न्यूयॉर्क किड़े हिस्से चा और इतों बाकी सारे तो नेड़े नेड़े ही आ। सो आ इधर बाकी बनया हुआ, ठंड बड़ी ज़्यादा लिखा हुआ आई लव ओमियाकॉन, देख सकते हो गए तुम जो थोड़ा देख रहा था, लाइटिंग अज बंद है इतों की, तो वो सारा नज़ारेदार माहौल आते इन्हों का टावर लगे हुआ, बी लाइन के नैटवर्क आते इतने, याद रखियो बी लाइन की सिम लैके आयो, बी लाइन के नैटवर्क इतने आते, बाकी वाईफाई वगैरह इतने चलना। ओमियाकॉन द पोल ऑफ कोल्ड, बड़ा नज़ारा जा रहा है, इतने पहुँच के दुनिया की सब तो ठंडी जगह से, दुनिया के सब तो ठंडे पिंड दे विच पहुँच के शहर यकुत्स्का, दुनिया का सब तो ठंडा टाउन, ये है जी दुनिया का सब तो ठंडा पिंड, बहुत मज़ा आ रहा। तो ये है जी स्केयर ऑफ विक्ट्री, ये बारे में आप थोड़ा ना करते हैं गलबात, पहला कुंडी खोली है जी, खोलूगी तो कितने आ, कुंडी नहीं लग रही, बर्फो बर्फी हो कम करो, सो भाई ये है जी स्केयर ऑफ विक्ट्री, मतलब ये रशिया के हमेशा जोड़ा एक रिवाज आ जितों की, मतलब वर्ल्ड देखो भाई थले, हाँ इन्नी ज़्यादा बर्फ आ थले, वैसे मेरे हिसाब से थले कुछ फर्श है ना, हाँ देखो आ दिखाना थोड़ा फर्श है इदा थले। सो ये रिवाज आ कि जेडे भी इन्होंने फौजी जवान शहीद होए आ, सो उन मतलब जो इस पिंड के ज इस कस्बे शहर के ने, तो उन्होंने एक मोन्यूमेंट हर पिंड बनाया जाता, चाहे छोटे तो छोटा पिंड क्यों ना, मैं नहीं देखा कोई पिंड बिना मोन्यूमेंट से, क्योंकि इन्होंने बहुत लोग जोड़े मारे गए से उन्होंने दिनों, ता ही अज इन की पॉपुलेशन मुंडे घट होने का कारण भी यही बन रही है, क्योंकि बहुत बंदे इन्ह के मारे गए से उन्होंने टाइमों के, सिर्फ बुढ़िया ही बचिया सगिया, तो हाँ
सो आप बाकी तुम देख सकते हो है हाँ वर्ल्ड वार टू का आ देखो मोन्यूमेंट बनया हुआ लिखा था सारा कुछ रशियन च ही आ समझ तो खैर आना नहीं बट 1941 तो 45 वर्ल्ड वार टू हुई सी उस टाइम दी है लेकिन कितना प्यारा बनाया हुआ देखो पूरा डस्टबिन बर्फ नाल भरया ना आ देखो लो भी मित्रों डस्टबिन भी बर्फ नाल भरया मतलब होर कुछ है ही नहीं इतने कूड़ा बर्फ ही बर्फ का ही कूड़ा सिर्फ ये है जी दुनिया की सब तो ठंडी जगह के उत्ते शहीद होने वाले वर्ल्ड वार टू के फौजियों का मोन्यूमेंट जिदा कि दर्शा रहा पिछे उधर पिछे भी तुम देख सकते हो 1941 तो 1945 तो पिछे सारे फौजियों के नाम वगैरह लिखे हुए इधर आ सारे फौजी जोड़े से उन्होंने फोटो लगे हुई देख सकते हो तो मतलब ये है कि इन्होंने शक्ल थोड़ी चाइनीज टाइप है क्योंकि ये जगह जी है ना जिसे मैं खड़ा इतों मॉस्को बहुत दूर आ 6-7 हज़ार किलोमीटर होना तो अमेरिका नेड़े अलास्का बहुत नेड़े अलास्का इतों मैं लगता बाय एयर मसा 2500 किलोमीटर होगा भाई इतने बन रही है पंजाबी चाह मतलब इंडिस की चाय इंडिस की मतलब इंडियन चाय ये कहते हैं सो सारे लिए बना रहे हैं वेट कर रहे इतने मनकुर भाई आपका चला कुछ तो चाह इधर तैयार हो जा रही है छेती छेती सो भाई ये इन्हों का घर आ अंकल देखो दिखा रहे हैं बाहर रख दिया मतलब आ बाहर आ मतलब इतने कोई हीटर नहीं लगे तैयार देखो मास रखा हुआ देखो ये बर्फ जम गई शायद बर्फ जमी या कुछ भी हाँ देखो मतलब इदा रखते हैं ये खाने लिए आ देखो ये पूरा घोड़ा ही कट के रखा ला हुआ इन्होंने दादा दादा आ देखो पूरा मतलब घोड़ा इदा कट के रखा हुआ देख सकते हो तुम गरीब घोड़ा बेचारा ये अंकल आप वैसे बेचारा दिल का मरीज है मास खा खा के इन्हें खून ही इन्ना मोटा कर लिया पतंदर ने आ देखो भाजी ये तो वो नहीं है जो अंदर मतलब जिसमें खाना खाता होगा वो जाता है ना वो है ना पर ये है कि बांस नहीं आती सर्दी में ना हाँ मतलब स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती तो बांस आती हाँ कैमरा ठंडा हो रखा है तो पत्रका अटकक कक अटकक पत्रका पता नहीं की चीज है यार समझ नहीं आ रही मतलब मास ही मास है तो असं आप इतने जमण अर्गे हुए पे बेचारे गरीब घोड़े ये अंकल हर का समान आए दिखाने लग गया सानू बड़े वधिया मतलब बड़े खुश आ देखो ये मतलब लकड़ कट्टन लई इन्होंने मशीन रखी हुई है खरश हो सब मशीन इन्होंने रखी हुई है वधिया आ इन्होंने मतलब नहाने लई नहाने वाला बनया हुआ सारा कुछ आ लकड़ा देखो आ पानी गर्म करने लई है ते वोदा वोदा हां वोदा जी मतलब गर्म करने आ देखो ये शायद अग बाल देंगे आ देखो अपनी जिदा पट्ठी टाइप बनी होंगी उदा बनी हुई है और आ लकड़ जो घर है थोड़ा उच्चे उच्चा बनया हुआ जमीन तो देखो इतो उच्चा बनया हुआ थोड़ा जहा है ना इतने अग बाल दे पानी है मतलब हीटर भी ए गर्म हों देखो बड़ा वधिया बनाया हुआ वादा दादा का मतलब सारे घर जाता मतलब सारे घर हॉट रखता काफी वधिया सिस्टम है यार इन्हों का ना अंकल हर ने बहुत वधिया बनाया हुआ है सारा आज तो पाइप जा रही है वोदा वोदा ना सारी मतलब पानी की पाइप आ जी देख पा रहे हो ये सारी जा रही है जी